नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपको स्वागत है। मई महीने का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अगर आप एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर आपको बहुत मददगार होने वाला है। वीडियो का अंत देखिएगा, आपको इसमें बहुत चीज सीखने को मिलेगा और एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसी वीक का जो इम्पोर्टेंट डेज है, उसके साथ इसी वीक का जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है, लगभग 55 करेंट अफेयर इसमें आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो का अंत देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, और लाइक बटन को भी दबा दीजिए। आप मेरे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इस वीडियो का पीडीएफ और इसका लिंक जब मैं उसको अपलोड करता हूँ उसी टाइम में चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम का चैनल का है ब्राइट फ्यूचर 38। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वीक का जो पहला डे है वो फर्स्ट में को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, और उसको भी और कहा जाता है मे डे, यानी इंटरनेशनल वर्कर्स डे आल्सो नोन एज लेबर डे, जो कि वर्कर डे को लेबर डे भी मनाया जाता है, जो कि हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और उसी दिन और एक डे है, और दो डे है। ठीक है, पहले बताता हूँ। पहला है महाराष्ट्र डे, उसी दिन 1960 में 1 मई को महाराष्ट्र जो स्टेट है उसको गठन किया गया था, और एक डे है जो कि 1 मई को गुजरात डे भी मनाया जाता है। सेम दिन एक ही दिन जो 1960 में 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को बनाया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा गुजरात का और गुजरात और महाराष्ट्र का कैपिटल। ठीक है, तो 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टूना डे। टूना नाम का एक मछली है। ठीक है, उसको उसका इम्पोर्टेंस कितना एनवायरनमेंट को कितना इम्पोर्टेंट, उसका जो जरूरत है वो समझाने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है 2 मई को। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, और कुछ डेज है यहाँ पे लिख दिया है। 3 मई को भी मनाया जाता है वर्ल्ड लैपटॉप डे, वो 3 मई को नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट संडे ऑफ मई, इसी बार 3 मई को हुआ था तो इसीलिए 3 मई लिखा हुआ है। ठीक है, 4 मई को कोल माइंस डे। ठीक है, कोल माइनर्स डे। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, और वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ मई को मनाया जाता है इसी साल का, वो 5 मई पे हुआ था। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो कि 7 मई को है, और 7 मई को और भी एक डे है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, उन्होंने उसी दिन 7 मई को जन्म लिया था। और एक चीज इसी साल का 7 मई को और एक चीज भी हुआ था, जो बुद्ध पूर्णिमा था उसी दिन गौतम बुद्ध भी जन्म लिए थे। पूर्णिमा जो वैशाख पूर्णिमा होता है उसमें उसी दिन गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, तो इसी साल का जो बुद्ध पूर्णिमा वो 7 मई को भी था। ठीक है, चलते हैं डिस्कस करते हैं इसी वीक का करंट अफेयर। ये लंबा होने वाला है, थोड़ा धीरज रखिएगा। केरला स्टेट जो कि पहला स्टेट है, केरला स्टेट ने एक क्लिनिक हॉस्पिटल शुरू किया है जिसका नाम है आयुर्रक्षा। ठीक है, आयुर्रक्षा जो कि क्लिनिक इन हॉस्पिटल। नीरज व्यास
जो कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में उनको अपॉइंट किया गया है। राजीव कुमार जो कि चेयरमैन के पद में अपॉइंट किया गया है, वो है पीईएसबी। पीईएसबी का क्या एक्रोनिम है? पीएसबी यानी पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो उनका चेयरमैन है राजीव कुमार। टीएस त्रिमूर्ति जो कि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो है टीएस त्रिमूर्ति, उनको अभी अपॉइंट किया गया है। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई है, योजना चलाई है, जिसका नाम है जीवन अमृत। याद रखिएगा, जीवन अमृत। दीपक मित्तल जो कि इंडिया टू क्वातर का जो नेक्स्ट अम्बेसडर है, होने वाले हैं, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस डिक्लेयर किया है जो कि जर्नलिस्ट के लिए, जो कि कोविड-19 का जो कंटेनमेंट जोन होता है, जो जोन होता है, रेड जोन होता है, वहां पे वो कलेक्शन करते हैं, उनके लिए 50 लाख का एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू किया है। विनेश रूपानी एक इंडियन ओरिजिन गर्ल है, जिसके नाम पर फास्ट हेलीकॉप्टर ऑफ मार्स। अभी भी क्या हुआ है कि हमारे जो अमेरिका का जो नासा, उन्होंने एक प्रोग्राम करा है कि मार्स में एक हेलीकॉप्टर जैसा एक मॉडल को लैंड किया जाए। वहां पे तो मार्स में नासा का रोवर लैंड कर चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक हेलीकॉप्टर जैसा मॉडल वो लैंड करे, तो उसका नाम है बिनिजा रूपानी, ठीक है। याद रखिएगा, बिनिजा रूपानी, याद रखिए। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी स्टार्ट किया है, जो कि गांधीनगर में है। गांधीनगर कौन सा स्टेट में है? ये गुजरात में, याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात का कैपिटल भी है, ठीक है। रामायण जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लोग देखने वाले एंटरटेनमेंट शो है, अभी अभी शुरू हुए हैं, उसको फिर एक बार टेलीकास्ट किया जा रहा है, ताकि जो लोग घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में फंसे हैं, वो उनका एंटरटेन हो चुके हो एंटरटेन हो पाए, ठीक है। वो है रामायण, सबसे ज्यादा देखने वाला एंटरटेनमेंट शो है। इसके साथ महाभारत को भी जुड़ा गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक आयुर्वेदा एक इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोग्राम चलाया है, जिसका नाम है आयुरक्षा। याद रखिएगा, आयुरक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के साथ, ठीक है। ये आयुर्वेदा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस के साथ मनाया गया है, ठीक है, वो शुरू किए हैं। मणिपुर में जो ब्लैक राइस मिलता है उसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? अगर कोई स्टेट में जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको उसी जगह का, पर्टिकुलर जगह का नाम पे जाना जाए, इसीलिए जीआई टैग का शुरू किया गया था। उसमें पहले बार पहले पहला जीआई टैग की दर्जा में मिला था असम का टी। याद रखिएगा, असम का टी को पहली बार मिला था जे टैग। छत्तीसगढ़ स्टेट जो कि मनरेगा स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला स्टेट बन चुका है, वो है छत्तीसगढ़। शिखा शर्मा जो कि गूगल पे का कंसल्टेंट अपॉइंट किए गए हैं, जो गूगल पे इंडिया इंडिया में जो गूगल पे का ब्रांच है उसमें अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। कर्नाटका डेवलपमेंट बैंक एक स्कीम लॉन्च किया है, जिसका नाम है विकास विकास अभियान लोन, ठीक है, विकास अभियान लोन। जयदेव
सॉरी जयदीप मजुमदार को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू ऑस्ट्रेलिया, इंडियन एम्बेसडर टू ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात गवर्नमेंट ने एक यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है अंबारी आंगनवाड़ी। इसका मतलब है डोर स्टेप आंगनवाड़ी। जो लॉकडाउन में फंसे हुए बच्चे हैं उनके पास कैसे राशन पहुंचे, कैसे सारी चीज पहुंचे, उसके लिए जो हेल्दी फूड पहुंचे, इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई है। उसका नाम है अंबारे आंगनवाड़ी। ठीक है, पुणे बेस्ट जो बायोलॉजी सेंटर है, पुणे बेस्ट सॉरी बायोलॉजी ने डिफेंस इंस्टीट्यूट एक माइक्रोवेव फ्री स्टेरिलाइजर बनाया है जिसका नाम है अतुल्य। याद रखिएगा, अतुल्य एक फ्री स्टेरिलाइजर है। ठीक है, स्टेरिलाइज कर सकता है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि दूध में, वो सारी चीज को स्टेरिलाइज किया जा सके, इसीलिए स्टेरिलाइज को यूज किया जाता है। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इंडिया में जो लेबर माइग्रेंट लेबर थे उनको घर वापस लेने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। तो वो ट्रेन का नाम याद रखिएगा, वो ट्रेन का नाम है स्पेशल लेबर ट्रेन। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो लेबर माइग्रेंट लेबर उनको लाने के लिए जो मुहिम चलाया गया था, जो ट्रेन का शुरू किया गया था, उसका नाम क्या है? वो स्पेशल लेबर ट्रेन। वो कौन सा स्टेट पहला ये कदम उठाया था? ये था झारखंड। ठीक है, उसके बाद है सी एस आई आर और सी आर आई आई, एक ऐप का नाम ऐप डेवलप किए हैं फार्मर के लिए, किसान के लिए। तो उसका नाम है किसान सभा। याद रखिएगा, किसान सभा। अगर किसान के बारे में तो वो इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल एक ई बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोफेसर बी बी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड। ओके, इंडिया रेडिस्कवर्ड रीडिस्कवर्ड। ओके, इंडिया रीडिस्कवर्ड। ओके, लेट्स गो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिकम द फर्स्ट स्टेट जो कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है सारे मणिपुर महाराष्ट्र सिटीजन को। ठीक है, महाराष्ट्र में जितना भी लोग रहते हैं, जितना ऑल सिटीजन महाराष्ट्र का, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम चलाया है। अकॉर्डिंग टू सी आर आई एस आई एल रिपोर्ट, कर्नाटक स्टेट जो कि टॉप क्या है इंस्टॉल करने के लिए, कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन, जो सोलर पैनल होता है, जो विंड एनर्जी के लिए विंड का जो पावर होता है, वो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल किया है, वो है कर्नाटक स्टेट इंडिया सॉरी। यूएसए ने भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सी एक्सरसाइज जिसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक वो कंडक्ट किया है। ठीक है, याद रखिएगा, रिम ऑफ द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज। यू मस्ट रिमेम्बर, इट इज नॉट आर्मी एक्सरसाइज, इट इज नेवल एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश का जो टेराकोटा स्कल्पचर है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। याद रखिएगा, टेराकोटा स्कल्पचर उसको जीआई टैग मिल गया है। सीएसआईआर एंड सीएसआईयू मिलकर एक इलेक्ट्रिक डिसइंफेक्शन मशीन जो कि कोरोना वायरस को एलिमिनेट करने के लिए, निपात करने के लिए बनाए हैं। तो CSIO इसका मतलब क्या है? उसका एक्रोनिम है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो कि थर्ड प्लेस में पहुंच चुका है, सबसे ज्यादा पीएचडी इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा पीएचडी देने वाला कंट्री, ठीक है, वो इंडिया है, थर्ड प्लेस में बन चुका है।
राल्फ स्पीथ जो कि इलेक्टेड न्यू फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी इन यूके, उनको इलेक्ट किया गया है। रमेश बाबू जो कि एनटीपीसी का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का जो ऑपरेशन डायरेक्टर है उसी पद में रमेश बाबू को अपॉइंट किया गया है। गिरिधर आर्मेन ने सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी पद में, ठीक है। प्रदीप कुमार शुक्ला जिनको फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन का पद में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और एक आगे कश्मीर सफरन, कश्मीर में जो सफरन मिलता है उसको भी जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है सालाइवा एंड स्वेट टू साइन इन द बल, जो क्रिकेट खेलते हैं उसी टाइम बल को साइन करने के लिए सालाइवा या तो स्वेट मिलाते हैं, तो उसको बैन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। मोहम्मद डियंग जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है इंटीग्रिटी का, ठीक है, याद रखिएगा इंटीग्रिटी का वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए किसने चुना है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने चुना है, ठीक है, याद रखिए। त्रिपुरा जो कि एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू किया है, ठीक है। नीरज धवन जो कि चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं यस बैंक का, अभी अभी यस बैंक डूबते से बच गया था, उसको गवर्नमेंट ने बचा लिया था, उसके जो चीफ रिस्क ऑफिसर उसी पद में नीरज धवन को अपॉइंट किया गया है। मत करो फॉरवर्ड लॉन्च, टिकटॉक में एक कैंपेन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मत करो फॉरवर्ड, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट बिकम द फास्ट टू प्रोवाइड मिड डे मील रेशन, ओके, घर घर में पहुंचाया जा रहा है मिड डे मील का जो राशन है बच्चे लोगों को उसको पहुंचाया जा रहा है। सुरेश के रेड्डी जिनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, ये एक क्वेश्चन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो होता है वो कौन सा पार्टी का होता है, वो है ऑपोजिशन पार्टी का, ठीक है, लीडर ऑपोजिशन पार्टी का कोई लीडर होता है, ठीक है। मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर जिसका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मल्टीमीडिया गाइड करने के लिए कोविड 19 को गाइड करने के लिए शुरू किया है जिसका नाम है कोविड कथा, याद रखिएगा उसका नाम है कोविड कथा। असम स्टेट ने फर्स्ट केस डिटेक्ट किया है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर उसको पहली बार असम में डिटेक्ट किया है, ठीक है। राहुल देव इतिहास में पहली बार पाकिस्तान एयरफोर्स में एक हिंदू पायलट के एंट्री हुआ है जिसका नाम है राहुल देव, याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट हो सकता है राहुल देव, ठीक है, सॉरी राहुल देव बिकम द वो बन चुके हैं। सिद्धार्थ भरद्वाजन इंडिया एक इंडियन जर्नलिस्ट जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जिनको मिलने वाला है, ठीक है। यूसुफ हुसैन टेनिस प्लेयर है जो कि लाइफ टाइम के लिए उनको बैन कर दिया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लग गया है हस्बैंड बैंड, ओके। डीआरडीओ ने एक अल्ट्रा वायोलेट डिस इन्फेक्शन टावर बनाया है जो कि केमिकल फ्री है, उसमें अल्ट्रा वायोलेट को यूज किया गया है जो कि अल्ट्रा वायोलेट का सीरे को यूज किया जाता है, ठीक है, उसके जरिए में एक 20x20 feet रूम को 5 मिनट में डिसइंफेक्शन किया जा सकता है। श्रीकांत कोमाट्रेडी इंडियन अमेरिकन जो कि
न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक जज पद में अपॉइंट किया गया है। वंदे भारत मिशन, आपको पता है वंदे भारत ट्रेन चलाया गया था 2018 में, क्योंकि वो जो ट्रेन का खासियत यही था कि वो इंजन लेस है, उसको कोई इंजन जरूरत नहीं पड़ती पुल करने के लिए, और वो 18 महीने में ही कंप्लीट हो गया था और 2018 में बनकर खड़ा हो गया था, तो इसलिए उसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है और वंदे भारत मिशन, वंदे भारत ट्रेन भी कहा जाता है। लेकिन अभी अभी एक मिशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन कैंपेन लॉन्च हुआ है, जो कि सिटीजन अब्रोड में जो सिटीजन इंडियन सिटीजन है उनको विमान के जरिए में इंडिया को लाया जा सके, इसी के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है। उसमें कुछ टर्म कंडीशंस है, जैसे कि जो लोग आएंगे उसके लिए वो लोग अपना जो क्वारंटाइन फैसिलिटी का जो चार्जेस है वो वहन करेंगे, उसके लिए उनको पहले से ही एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। श्रीराम वेंकट रमन अपॉइंटेड एज द कमर्शियल सीएफओ ऑफ फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का सीएफओ अपॉइंट किया गया है जिसका नाम है श्रीराम वेंकट रमन, ठीक है। सौरभ लोधा, जिनको कि 2020 यंग कैरियर अवार्ड, जो कि किस फील्ड में, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया गया है, याद रखिएगा सौरभ लोधा। समुद्र सेतु, ये नेवी के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है जो कि इंडियन मालदीव्स में फंसे हैं कोविड-19 के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक माइग्रेंट लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एग्जिट ऐप, ठीक है, उसका नाम है एग्जिट ऐप। रूसिया ने नॉर्थ कोरिया का जो रूलर है किम जंग उन, उनको वर्ल्ड वॉर 2 मेडल देकर सम्मानित किया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने निगा नाम का एक स्कीम शुरू किया है। इंडिया थर्ड प्लेस में है साइंटिफिक पब्लिकेशन करने के लिए, एक रिपोर्ट के तहत इंडिया थर्ड प्लेस में है जो कि साइंटिफिक पब्लिकेशन करने के लिए। तरुण बजाज को डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई में अपॉइंट किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आज का वीडियो इतना यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर से नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, नेक्स्ट मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।